शिवसेना नेता अनिल परब के घर पर चल रही सुबह से छापेमारी। 13 घंटे तक अनिल परब के सरकारी निवास पर छापेमारी हुई। करीब 11 घंटे तक ईडी ने अनिल परब से पूछताछ भी की। ईडी की टीम जब बांद्रा इलाके में स्थित अनिल परब के घर से निकल रही थी तो ईडी की गाड़ी को शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी के आगे बैठकर सड़क पर नारेबाजी करने लगे। पुलिस जबरन शिव सैनिकों को सड़क से हटाया। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 350 नए केस आए। मुंबई में 1658 लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं कोरोना का। अनिल परब के समर्थन में शिवसेना कार्यकर्ता पहुंचे और ईडी के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामले को देख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से गुजारिश की है कि सभी लोग मास्क पहनना फिर से शुरू कर दें। घर से बाहर निकलते ही मास्क पहने। राज्यसभा का नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए महाविकास अघाड़ी एक साथ। अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ने कहा, हमारा सबका समर्थन है, अनिल परब के विशेष सरकार उनके साथ खड़ी है। संजय राउत ने कहा, इस प्रकार की कार्रवाई पिछले कई दिनों से शुरू है। अनिल परब ये शिवसेना का नेता और कैबिनेट मंत्री हैं। ईडी जिस प्रकार के आरोप अनिल परब और हमारे अन्य नेताओं पर लगा रही है उससे ज्यादा गंभीर आरोप बीजेपी के नेताओं पर है, लेकिन उन पर कोई हाथ तक नहीं लगाता। संजय राउत का बड़ा आरोप, उन्होंने कहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, विरोधियों पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है, लेकिन मेरा यही कहना है कि शिवसेना और महाविकास अघाड़ी की सरकार का मनोबल कम नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का 1005 साल पुराना विवाद पहली बार महमूद गजनवी ने तोड़ा। 1982 में भव्य मंदिर बना। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब के ठिकानों पर ईडी की रेड दिन भर चली। मुंबई पुणे सहित 7 जगहों पर कार्रवाई की गई। यासीन मलिक की सजा का विरोध कर रहे 10 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने यूएपीए के तहत की कार्रवाई। मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइन जारी, केंद्र सरकार हाई अलर्ट पर, दुनिया में तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सीएम की ठसक, मोदी पर मंच पर थे सीएम स्टालिन ने कहा, हम पर हिंदी मत थोपिए, तमिल को इसके बराबर समझिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिशा वाकानी की वापसी पर दिलीप जोशी बोले, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ पर एक नया दावा सामने आया है महाराणा प्रताप सेना की ओर से। अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने और ये हिंदू प्रतीक चिन्ह होने का दावा किया गया। ताजमहल में नमाज अदा करने पर हैदराबाद के 4 छात्रों पर दर्ज हुआ केस, मिली जमानत। महाराष्ट्र मैरिटाइम कॉरपोरेशन के माध्यम से जल्द शुरू होगा थाने जिला जल यातायात का काम। थाने ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई पूरी, जिला कोर्ट में अब 30 मई को होगी सुनवाई। शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमानदार और मेहनती बताया, उन पर तंज भी कसा। योगी सरकार देगी उत्तर प्रदेश के किसानों को 15,000 सोलर पंपों की बड़ी सौगात। योगी सरकार के बजट में महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए मिले 100 करोड़ रुपए। उद्धव ठाकरे के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा, अनिल परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी, पहले अनिल देशमुख, नवाब मलिक, अब अनिल परब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, विकास एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा भारत, दुनिया इसे महसूस कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिले केसीआर, बेंगलुरु में बोले, वादे बहुत किए लेकिन उद्योग बंद हो रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे, सरकार थपथपा रही है पीठ तो कांग्रेस बोली, यहाँ कहाँ है महंगाई घटाने, रोजगार देने और अच्छे दिन का वादा। 2020 में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई, उसके बाद मणिपुर और उत्तर प्रदेश। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जर्मनी ने दी मंजूरी, अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की नहीं होगी जरूरत।
मोटर चालकों के लिए राहत भरी खबर है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को अब किसी को बेवजह रोककर परेशान करने की अनुमति नहीं और ना ही वे आपके वाहन को बिना कारण चेक कर पाएंगे। सीएम उद्धव ठाकरे की लोगों से अपील, संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं, मास्क पहनना जारी रखें। अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई के बाद भड़के संजय राउत, कहा महाराष्ट्र ना झुकेगा ना शिवसेना डरेगी। अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई शुरू, अनिल देशमुख नवाब मलिक आता अनिल परब ने कपड़ा ची बैग तैयार ठेवा।